गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए बेटा, अगर याद करेंगे तो हम लोगों के जो लास्ट क्लास थी, उस लास्ट क्लास में हम लोगों ने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में हमने आपको बताया था कि जो न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है, फूड का इंटेक करना और उसका यूटिलाइजेशन होना, प्रोसेस जो है वो न्यूट्रिशन कहलाता है। और फूड में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका ब्रेक डाउन करके एनर्जी हम लेते हैं, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीजें जो हैं वो। ओके, उसी के आगे अब हम लोग जो वो टॉपिक हैं, तो उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपको पता है कि न्यूट्रिशन के पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 5 स्टेप्स आते थे। अगर थोड़ा सा रिवीजन करें तो याद कीजिए, सबसे पहले है इंजेशन, सेकेंड प्रोसेस डाइजेशन, थर्ड प्रोसेस एब्जॉर्प्शन एंड फिफ्थ प्रोसेस, फोर्थ प्रोसेस एसिमिलेशन एंड फिफ्थ प्रोसेस एजेशन। खाना को जो हम अपने माउथ में, यानी कि अपने बॉडी के अंदर जो डालते हैं माउथ के थ्रू, डैट इज दी इंजेशन। फिर खाना को खाने के बाद जो उसका ब्रेकडाउन होता है, यानी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड टूटते हैं सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम, उसको कहते हैं डाइजेशन। और थर्ड प्रोसेस है वह है एब्जॉर्प्शन। देखो ये प्रोसेस ऐसा है कि डेली आप करते हो, पढ़ाने की जरूरत है क्या इसको? खाना तो डेली खाते हो भाई, कुछ लोग खाना इतना खा लेते हैं कि उनसे बिल्चिंग होने लगती है, डकारे आने लगती हैं, और कुछ लोग खाना इतना कम खाते हैं कि मम्मी दिन भर परेशान रहती है, बेटा खाना खा ले खाना खा ले। दिस इज द बिग डिफरेंस बिटवीन द नाउ ए डेज एंड प्रीवियस 10 ईयर्स एगो। ऐसा क्यों? 10 साल 15 साल पहले बच्चे खाना के पीछे भागते थे, आजकल मम्मी खाना लेकर के बच्चे के पीछे भागती है। दिस इज द बिग डिफरेंस। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका ध्यान अब खाना के बजाय किसी और चीज पे हो रहा है, मोबाइल पे, इन सब चीजों पे, तो उनसे ना भटकें। अब चलिए आइए देखिए, इधर बात करते हैं हम लोग। तो एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग ब्रेक डाउन हुआ है जो फूड को, उसके अपने बॉडी के सेल में, यानी कि जैसे ब्लड में एब्जॉर्ब होना, और एसिमिलेशन जो डाइजेस्टेड फूड है जो हमारे ब्लड में मिक्स होकर के आया है, या जहाँ पे ब्लड नहीं है वहाँ पर भी सेल के अंदर ब्रेक डाउन होकर के वो एनर्जी देगा। और उसके बाद एजेशन, एजेशन का मतलब हुआ कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो डिस्चार्ज करना बॉडी से। जैसे मॉर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, टॉयलेट की ओर भागते हैं, स्टूल का डिस्चार्ज करते हैं, तो वो एजेशन, यानी जो दिन भर खाना खाया तो जो बचा हुआ फूड है जो अनडाइजेस्टेड रह गया है, डैट इज द एजेशन। इसी तरह तो इन सब टॉपिक को हम लोगों ने समझा था। अब कुछ एनिमल का और ह्यूमन बींग का पार्टिकुलरली न्यूट्रिशन हम लोग देखेंगे। तो इसी टॉपिक में हम लोगों को है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अब इसमें हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। देखिए अमीबा और पैरामीशियम न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हेडिंग है, और उसमें हम लोगों को देखना है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा और पैरामीशियम जो है वो दोनों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। अब आइए, अमीबा इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो ये कैसे फूड को खाते हैं भाई? तो चूंकि अमीबा पानी में रहता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और उस वाटर के सरफेस पे जो टीनी प्लांट, यानी छोटे वाले प्लांट का कोई पार्ट या कोई छोटा प्लांट है, जैसे आपका एल्गी वगैरह, यूनिसेलुलर का कोई एल्गी हो या कुछ हो, तो यूनिसेलुलर यानी टीनी प्लांट, टीनी एनिमल्स जो काफी छोटे साइज के हैं, उनको वो क्या करता है,
अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को चेंज करके एक स्यूडोपोडिया करके एक स्ट्रक्चर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसको बोलते हैं। कैसा बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो वैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को वो बॉडी का बना स्ट्रक्चर बना करके चेंजेस करके और उसको अपने अंदर कैप्चर करके ले लेगा और उसको इनगल्फ कर लेगा। तो ये एक होलोजोइक एनिमल है एंड साइकोसाइटिक प्रोसेस से ये फूड को इंगेज करता है। अब ये दो टर्म आया, होलोजोइक एंड साइकोसाइटिक टर्म। तो अमीबा में भी जो हम लोग हैं वह क्या देखेंगे, तो अमीबा के भी न्यूट्रिशन के 5 प्रोसेस देखेंगे। क्या क्या? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और एजेशन। ठीक है, तो ये 5 प्रोसेस अमीबा का हम लोग देखेंगे। तो पहले हम क्या कह रहे हैं, तो अमीबा जो है वह अमीबा ईट्स टीनी प्लांट्स एंड एनिमल, टीनी प्लांट्स एंड एनिमल्स एज फूड विच float in water। अब अमीबा में हमने क्या बोला था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोइक। ये याद रखिए, होलोजोई का मतलब ही क्या होता है, होलोजोई का मतलब होता है कि वह ऑर्गेनिज्म जो फूड पार्टिकल को या फूड को अपने माउथ के थ्रू यानी किसी बॉडी के किसी पार्ट से इनगल्फ करता है, इंजेस्ट करता है, दैट इज द होलोजोइक ऑर्गेनिज्म। अब दूसरा हमने बोला कि यह फैगोसाइटिक होता है। फैगोसाइटिक का मतलब फैगोसाइटिसिस के प्रोसेस है। The process of और जिस प्रोसेस से ये फूड को लेता है वो प्रोसेस है फाइगोसाइटोसिस। The process of obtaining food, the process of obtaining food by amoeba is called भाई अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा इन्वॉल्व, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इन्वॉल्व यानी अमीबा के न्यूट्रिशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, तो वही 5 प्रोसेस है बेटा। जैसे तो फर्स्ट में इंजेशन, तो अमीबा के पास देखो वो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास माउथ नहीं है। अब माउथ नहीं है तो वो क्या करेगा कि अमीबा जो है फूड को ट्रैप करेगा और अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, जिसे हम लोग कहते हैं स्यूडोपोडिया। अब मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूं पहले और उसके बाद आप सारा चीज देखेंगे। दिस इज द फूड पार्टिकल और इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए अपने बॉडी के स्ट्रक्चर को इस शेप का बनाया है, इसी को कहते हैं स्यूडोपोडिया। उसके बाद में ये फूड पार्टिकल को इनगल्फ कर लेगा
ये फर्स्ट डायग्राम, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इसलिए इसके बाद एरो का डायरेक्शन इस तरफ दिया है। और नेक्स्ट लास्ट जो डायग्राम है, स्पेस कम है तो मैं ऊपर में बना दे रहा हूँ, आप लोग अपने नोटबुक में उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ये अमीबा का फूड वैक्यूल है और इस फूड वैक्यूल के अंदर में यह फूड पार्टिकल को वो इनगल्फ कर लिया है, और इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद में वह इसको स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक कर दिया है। तो बाय द क्योंकि इसके अंदर, इस फूड वैक्यूल के अंदर में ही डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और फिर उसको अपने इस बॉडी के साइटोप्लाज्म में ले आया है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होगा उसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रप्चर करके डिस्चार्ज कर लेगा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रप्चरिंग से वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। अब इसी में तो हम लोग फर्स्ट प्रोसेस जो है हमारा वो है इंजेशन, उसमें देखेंगे क्या होता है। तो दिस इज द स्यूडोपोडिया, ये जो पार्ट है इंजेशन के अंदर में ये डायग्राम बनना है। स्यूडोपोडिया जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये हुआ फूड वैक्यूल, दिस इज द फूड वैक्यूल, एंड ये हो गया फूड पार्टिकल। ओके, अब डाइजेस्टेड फूड जो है एरो इस तरह से चारों तरफ दे करके, इसका मतलब है कि वह डिफ्यूज आउट। डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज्ड आउट, अभी सब समझाऊंगा मैं एकदम अच्छे से, और तब अमीबा का साइज बढ़ेगा क्योंकि वह फूड खा करके ग्रोथ किया है। अमीबा ग्रो अनडाइजेस्टेड फूड थ्रो आउट, अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, अनडाइजेस्टेड फूड थ्रोन आउट, दिस इज द एजेशन एसिमिलेशन एसिमिलेशन एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन डाइजेशन डाइजेशन और दिस इज दी इंजेशन। तो देखो इंजेशन, डाइजेशन, अब एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, यही फाइव प्रोसेस को हम लोगों को देखना है। तो फर्स्ट प्रोसेस हम लोगों को स्टार्ट करना है अमीबा का, क्या? तो अमीबा का एजेशन के बारे में। तो क्या करता है एजेशन में, अमीबा के पास चूंकि माउथ नहीं है तो अमीबा क्या करेगा बेटा, अमीबा जो है वह फूड पार्टिकल को वह अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं वैसा स्ट्रक्चर बना करके अपने अंदर इनगल्फ करे, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस है। फैगोसाइटिक का मतलब होता है किसी भी चीज को इनगल्फ करना, अगर लिक्विड होगा तो फैगो, और अगर सॉलिड होगा तो फैगो, अगर लिक्विड चीज को इनगल्फ करते हैं तो उसको कहते हैं पीनो, ठीक है, पीना मतलब पानी पीते ना, तो इसलिए उसको पिनोसाइटोसिस, समझ में आ रही है बात। अब ये डायग्राम हो गए तो अब चलिए वन बाय वन इन सारी चीजों को लिखना है। तो फर्स्ट में क्या बोला मैंने, तो चूंकि अमीबा के पास माउथ नहीं है तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना के
अमीबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया बाय यूजिंग इट्स स्यूडोपोडिया व्हेन ए फूड पार्टिकल कम नियर अमीबा व्हेन ए फूड पार्टिकल पार्टिकल कम्स नियर अमीबा कम्स नियर अमीबा अमीबा it ingest this food particle by finger like projection called pseudopodia. तो अमीबा अपने फूड को कैसे कैप्चर करता है भाई? तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, जो इस तरह से हम लोगों ने अभी इस तरह से बनाया था, ये फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन हुआ. एक इधर से फिंगर निकला, एक इधर से निकला, बीच में सॉलिड फूड को कैप्चर कर लिया, और इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को कहते हैं हम लोग pseudopodia. अब फूड इसके अंदर जब आ जाएगा तो यहां से इसको, ये पूरी तरह से इसको ऐसे जोड़ लिया. अब ये इस तरह से हो गया तो फूड क्या होंगे? अब ये मेम्ब्रेन इस तरह से ऐसे, तो ये फूड जो है इसके अंदर आ गया. और इसके अंदर आने के बाद वो चला जाता है फूड वैक्यूल में. तो सेकंड जो प्रोसेस है वह है डाइजेशन. तो जो फूड इनगल्फ किया है, इनगल्फ फूड आर इंटर इनटू तो फूड इज डाइजेस्टेड इन फूड वैक्यूल. जैसे प्लांट के सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं ना, एक बड़ा सा बैग लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं वैक्यूल. और प्लांट के सेल के साइज का 90-80% पार्ट वो कवर करता है, लेकिन अमीबा वगैरह में एक छोटा सा वैक्यूल होता है, उसको कहते हैं फूड वैक्यूल. यही, और इसी वैक्यूल के अंदर में क्या होता है, एक थैली है छोटी सी सेल के अंदर. चूंकि अमीबा एक ही सेल का है, यानी यह एक अमीबा का अगर सेल है बेटा, तो इस अमीबा के सेल के अंदर ये एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर है मेम्ब्रेनस, इसी को कहते हैं हम लोग फूड वैक्यूल. और इस फूड वैक्यूल के अंदर में बहुत सारे डाइजेस्टेड एंजाइम होते हैं. जब ये फूड, यानी कि ये जो फूड को इनगल्फ करेगा, और ये फूड जब आएगा इसके अंदर, तो जब सेल के अंदर आया तो इस सेल से इंटर कर जाएगा इस वैक्यूल के अंदर. और चूंकि इस वैक्यूल के अंदर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, दिस इज द एंजाइम, यानी इस फूड को तोड़ने के लिए, तब इस फूड को तोड़ देगा छोटे छोटे पीस में, यानी वो डाइजेस्ट हो गया. और डाइजेस्ट होने के बाद वैक्यूल से, तब वो बाहर के सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, यानी इसके अंदर बाहर आएगा. अब चलिए, तो सेल का टॉपिक आपको याद रहना चाहिए. साइटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? यह सेल है, और सेल के अंदर यह बेटा होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर, और ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर, यही चीज कहलाता है पूरा का पूरा, इसी में आपका ये वैक्यूल, और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सारा चीज होता है. तो इसी को कहते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म. तो जो फूड हमारा अमीबा के अंदर जो फूड डाइजेस्ट हुआ है वैक्यूल के अंदर, वह डाइजेस्ट होकर के इस साइटोप्लाज्म में आएगा. तो वो हम लोग देखेंगे अभी आगे एसिमिलेशन में. पहले यहाँ देखिए डाइजेशन, तो फूड इज डाइजेस्ट इनटू फूड वैक्यूल. तो
बाय दी एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम विच इज प्रेजेंट इन विच इज प्रेजेंट इन जो कहाँ प्रेजेंट है तो विच इज प्रेजेंट इन फूड वैक्यूल ऑफ अमीबा। तो अमीबा के सेल के अंदर फूड वैक्यूल है और उस फूड वैक्यूल के अंदर में डाइजेस्टिव एंजाइम है जो उस फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब ये बात हो गई तो पहला एजेशन, सेकेंड में डाइजेशन और थर्ड में अब एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन का भी डायग्राम अभी दिखाया था। तो जो डाइजेस्टेड फूड हैं वो डिफ्यूज आउट होंगे, तो डिफ्यूज आउट फ्रॉम फूड वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म। अब डिफ्यूज आउट का मतलब डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज आउट, तो डिफ्यूज आउट का मतलब डिफ्यूजन का मतलब ही होता है, यहां पर मैं लिख देता हूं, डिफ्यूज आउट फ्रॉम वैक्यूल टू साइटोप्लाज्म बाय डिफ्यूजन। ऐसे मुझे लिखने की जरूरत नहीं, यहां पर शुरू में ही लिख दिया हूं डिफ्यूज आउट बाय DIFFUSION डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के थ्रू ये कैसे, सॉरी DIFFUSION यहां पे भी रॉन्ग हुआ, DIFFUSION डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का डेफिनेशन क्या कहता है, डिफ्यूजन का डेफिनेशन कहता है कि मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन का डेफिनेशन मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू From higher to lower concentration। अब higher to lower का मतलब मान लो बेटा यह एक अमीबा था और इस अमीबा के अंदर ये food vacuole और इस food vacuole के अंदर में जो food आया था वो digest हो गया, ये blue color से food जो है टूट करके enzyme से digest हो गया। तो यहाँ पर ये ज़्यादा quantity में है और cytoplasm में food नहीं है, तो हायर से किधर की ओर जाएगा, लोअर की ओर, यानी फूड वैक्यूल से साइटोप्लाज्म। वैक्यूल के बाहर में ये पूरा साइटोप्लाज्म है, तो यहाँ वैक्यूल से निकल करके ये साइटोप्लाज्म में फूड आने लगेगा। तो इसी को कहते हैं डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये सारा काम हो जाता है एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में। अब एब्जॉर्प्शन के बाद में नेक्स्ट हम लोगों को देखना है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया तो एसिमिलेशन में क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में है एसिमिलेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को यूज करके उससे एनर्जी लेना और अपने बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाना, यानी अमीबा अपना ग्रोथ बढ़ा लेगा। देन फाइनली जब अमीबा बढ़ जाएगा तो वो डिवाइड करके दो डाउटर सेल बनाना, यानी रिप्रोडक्शन कर लेगा। तो एसिमिलेशन में यही चीज है कि डाइजेस्टेड फूड का यूटिलाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना। एब्जॉर्ब फूड Absorb food used to obtain
यूज टू ऑब्टेन एनर्जी थ्रू एनर्जी थ्रू रिस्पायरेशन एनर्जी थ्रू रिस्पायरेशन विच लीड टू ग्रोथ ऑफ अमीबा. अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाई अमीबा कैन रिप्रोड्यूस बाई डिवाइडिंग इंटू टू डॉटर सेल. नेक्स्ट है एजेशन. सेकेंड एजेशन का मतलब देखिए, अमीबा के पास कोई पार्टिकुलर प्लेस नहीं है जहां से वो अनडाइजेस्टेड फूड को डिस्चार्ज करे. तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है साइटोप्लाज्म के अंदर या सेल के अंदर, उस अनडाइजेस्टेड फूड को वो क्या करेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को किसी एक एनी प्लेस पे रप्चर कर देगा, ठीक है, और वहां से अनडाइजेस्टेड फूड को वो डिस्चार्ज आउट कर देगा. तो यानी कि सेल मेम्ब्रेन रप्चर एट एनी प्लेस एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज एंड द अनडाइजेस्टेड फूड इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द अमीबा. तो अमीबा के बॉडी से ये थ्रोन आउट हो जाएंगे. अब देखिए नेक्स्ट में, तो यहाँ पर ये पूरा प्रोसेस हो गया है. फिर है पैरामेशियम का. पैरामेशियम में भी सारा चीज सेम होता है, बस पैरामेशियम में एक हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे सिलिया कहते हैं. वह सिलिया हिप सिलियरी स्ट्रक्चर से क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं. पैरामेशियम इज यूनिसेलुलर एनिमल विच लिव इन वाटर. It uses its hair-like structure called cilia to sweep the
फूड पार्टिकल फ्रॉम वाटर एंड पुट देम इनटू इनटू माउथ, और फिर ये माउथ में उसको पुट कर लेगा और फिर बाकी उसी तरह से फूड जो है वो बॉडी के अंदर जाएगा, उसमें वेरियस एंजाइम एक्शन करेंगे और उससे फिर क्या होंगे वो वेरियस एंजाइम के एक्शन से और फूड जो है वो डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद में वो अब्जॉर्ब होगा डिफ्यूजन के थ्रू उसी तरह। वन मिनट, तो इस तरह से ये चला। अब पैरामीशियम का भी हो गया, अमीबा का हो गया। अब इसके बाद में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम यानी ह्यूमन में कैसे डाइजेशन होता है, तो अब आइए देखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीज इंक्लूड है। एक पार्ट है बेटा डाइजेस्टिव ऑर्गन और दूसरा पार्ट है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड डाइजेस्टिव ऑर्गन ये क्या है? डाइजेस्टिव ऑर्गन में जैसे माउथ से स्टार्ट होता है, सेकेंड माउथ के बाद में इसोफेगस को ही हम लोग कहते हैं बेटा फूड पाइप, उसके बाद में स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर लार्ज इंटेस्टाइन, जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड में सलाइवरी ग्लैंड है, लीवर है और फिर पैनक्रियाज है और स्टमक से भी सिक्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ग्लैंड में ये जो है स्टमक ग्लैंड नहीं है, ग्लैंड में बस ये तीन चीज लिखा हूं, तो सलाइवरी ग्लैंड, लीवर और पैनक्रियाज, ये सब डाइजेस्टिव जूस को यानी डाइजेशन के लिए जो सिक्रेशन करती है उसको डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। देखो ह्यूमन बींग्स के अंदर डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, ठीक है, तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसे यानी कि उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक लंबा सा पाइप है जो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक होता है, जहां से स्टूल का डिस्चार्ज करते हैं, दैट इज द एनस। तो इन ह्यूमन डाइजेशन इज डाइजेशन प्रोसेस इज स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज डिस्चार्ज फ्रॉम एनस। दूसरी बात ये, हमारे अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है जिसे कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। डाइजेशन प्रोसेस इज
प्रोसीड्स इन एलिमेंट्री कैनाल। और एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होता है? तो एलिमेंट्री कैनाल बेटा होता है फ्रॉम माउथ टू एनस। माउथ टू एनस क्या होते हैं? माउथ टू एनस तक में ही होता है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये माउथ ओपन किया, यहां से एक पाइप चली है और पूरे अंदर तक एकदम नीचे तक गया है, दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। उसी को एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं और इसी में पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस चलता है। अब हमारे बॉडी के अंदर भी डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में भी डाइजेशन के लिए क्या क्या है? तो डाइजेशन के लिए वही फाइव प्रोसेस होते हैं। जैसे तो डाइजेशन के लिए हमारे बॉडी में इन ह्यूमन डाइजेशन इन्वॉल्व। तो हमारे डाइजेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है? तो सबसे पहले इंजेशन, उसी तरह से तो हम लोग इनटेक ऑफ फूड थ्रू द माउथ, दैट इज द इंजेशन। तो फूड को हम लोग जो इनगल्फ करते हैं माउथ में, दैट इज द इंजेशन। इंजेशन ऑफ फूड थ्रू माउथ। तो फूड को हम लोग कैसे इंजेस्ट करते हैं? माउथ के थ्रू, थ्रू माउथ। तो फूड को माउथ के थ्रू इंजेस्ट करते हैं। अब सेकेंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, वह है डाइजेशन। डाइजेशन में क्या क्या होता है? तो डाइजेशन हमारे बॉडी में अब करते क्या है हम लोग? तो डाइजेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में तीन जगह कंप्लीट होता है। तो डाइजेशन इज अकर्स इन माउथ। कहां कहां होगा? माउथ में होगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। तीन जगह मेन रूप से, कहां? माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब माउथ में क्या काम होता है? तो देखिए माउथ में, माउथ में तीन चीज इंक्लूड है, टीथ, टंग एंड माउथ के अंदर हमेशा जो सलाइवा का सेक्रेशन होता है, जिसे हम कभी थूकते हैं तो कुछ पानी की जैसा आता है, हमारा माउथ हमेशा मॉइस्चर रहता है, गीला रहता है। दिस इज ओनली ड्यू टू द सेक्रेशन ऑफ सलाइवा थ्रू द सलाइवरी ग्लैंड। आवर माउथ इज ऑलवेज सॉफ्टेन एंड आवर माउथ इज ऑलवेज वाटरी पार्ट, या वाटरी सेक्रेशन ऑलवेज अकर्स इन आवर माउथ। दिस इज ओनली ड्यू टू द सलाइवा एंड सलाइवा इज सेक्रेटेड बाय दिस सलाइवरी ग्लैंड। माउथ है बेटा। अब इस माउथ में तीन चीज इंक्लूड है, सबसे क्या पहले? तो इन आवर माउथ इंक्लूड टीथ। अब टीथ का काम क्या है? तो टीथ का काम है फूड पार्टिकल को मैस्टिकेट करना, यानी कट करना। तो टीथ कटिंग ऑफ फूड, दैट इज मैस्टिकेशन ऑफ फूड। तो फूड को मैस्टिकेट करने का काम टीथ से हो गया। सेकेंड में देखिए
सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट सलाइवा ईट सिक्रीट डाइजेस्टेड डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवा अब सलाइवा जो होता है वो एक डाइजेस्टिव एंजाइम, इसलिए लिखा है कि सलाइवरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड सलाइवा, ये सलाइवा का सिक्रेशन करता है। और थर्ड पॉइंट है टंग, इसमें तो टंग का काम क्या है, तो टंग जो है वह मिक्सिंग करता है, तो मिक्सिंग ऑफ क्या क्या, तो मिक्सिंग ऑफ सलाइवा इनटू विद फूड, और साथ ही साथ जब हम खाना खाते हैं तो फूड को पार्टिकुलरली मेस्टिकेट करने में भी हमारा टंग हेल्प करता है। मिक्सिंग ऑफ सलाइवा सलाइवा मिक्सिंग ऑफ सलाइवा विथ फूड 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 विथ दी हेल्प ऑफ टंग और टंग इट ऑल्सो हेल्प इन मेस्टिकेशन ऑफ फूड। अगर टंग को हम नहीं चलाएंगे तो खाना को सही से नहीं चबा सकते हैं, तो उसके लिए टंग जो है हमारा हेल्प करता था। माउथ में पहला काम हो गया, माउथ में तीन चीज इंक्लूड है, टीथ सलाइवरी ग्लैंड और टंग, ये देख लिया। अब उसके बाद आगे बढ़ता है, तो जब हमारा फूड जो है वो मिक्स हो जाता है सलाइवा के साथ, तो हमारा टंग जो है एक उस फूड को बोलस लाइक स्ट्रक्चर बना देता है, यानी थोड़ा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना करके, और उसको कहाँ तो अंदर की ओर, ये थ्रोट फूड पाइप किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग एसोफेगस। नाउ फूड इज इंटर इनटू द एसोफेगस विद द हेल्प ऑफ टंग इन द फॉर्म ऑफ बोलस। अब सेकंड में आइए, तो अब फूड कहाँ पहुंचेगा, तो फूड जो है वो माउथ के बाद में सेकंड पार्ट, यानी माउथ माउथ के बाद में कहा, तो एसोफेगस। एसोफेगस में जब फूड इंटर करते हैं तो फूड एसोफेगस को ही हम लोग क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं, एसोफेगस को फूड पाइप। तो मेस्टिकेटेड फूड नाउ मेस्टिकेटेड फूड नाउ इंटर इंटू मेस्टिकेटेड फूड नाउ इंटर इंटू मेस्टिकेटेड फूड नाउ इंटर इंटू एसोफेगस इन दी फॉर्म ऑफ बोलस। एसोफेगस परफॉर्म पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम एसोफेगस टू स्टमक। तो ये फूड एसोफेगस से कहाँ पहुंचेगा, स्टमक तक पहुंचेगा। ओके, कितना देर हुआ, 45 हो गया। अब यहां से स्टमक तक फूड पहुंच गया, अब स्टमक के बाद का डाइजेशन का प्रोसेस, पहले इतना बात याद रखना,
कि जो फूड है वह कहाँ पहुंचा है, एसोफेगस, और एसोफेगस जो है उस फूड को कहाँ ट्रांसफर करेगा, तो एसोफेगस जो है वो फूड को ट्रांसफर करेगा बेटा स्टमक में, और स्टमक में फिर जाकर के बहुत सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, पेप्सिन आता है, HCl आते हैं, ये सारे आकर के उसको क्या करेंगे, डाइजेशन का प्रोसेस कराएंगे। तो इसके बाद की कहानी, इसके बाद का आगे का प्रोसेस जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी आपको इतनी बातें याद रखनी है, ओके। उसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट क्लास कल ये चीज को देखेंगे, ओके। थैंक यू।